हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। आज मैं दिखाऊंगी हेयर कटिंग के लिए क्या क्या टूल्स रिक्वायरमेंट है जो आप लोगों को चाहिए हेयर कटिंग के लिए। पहले तो चाहिए सेक्शन क्लिप, ये क्रोकोडाइल क्लिप बोलते हैं इसको, आप कोई भी सेक्शन क्लिप ले सकते हैं बाज़ार से। और चाहिए सीज़र, ये बड़ा वाला सीज़र, ये छोटा सीज़र। इसको हम लोगों को थर्ड फिंगर में, जो रिंग फिंगर होता है उसमें रखना है। और लास्ट फिंगर जो है उसमें होल्ड करना है, ऐसे पकड़ना है और फिर कटिंग करना है, ऐसे कटिंग करना है, ये वाला फिंगर में रखना है, ठीक है, ऐसे रखना है। आप लोग हमेशा ये वाला कहीं भी अगर सीजर खरीदने जाएंगे तो ये फिंगर में रख के फिर जाके इसको टेस्टिंग करके कि ये वाला फिंगर में आपको अच्छे से फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका सुविधा के हिसाब से फिर आप लोग सीज़र खरीदें। ये बड़ा है और ये छोटा है, आप लोग अपना हिसाब से लीजिए। ये भी ऐसे है, और ये है कॉम, इसको बोलते हैं टेल कॉम। ये है कटिंग कॉम, ये हाईलाइट कॉम, आप लोग कोई भी कॉम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेक्शन निकालने के लिए ये कॉम बहुत अच्छे से इस्तेमाल होते हैं। और ये कटिंग कॉम है, और चाहिए एक कटिंग शीट, बहुत टाइप का कटिंग शीट होता है, आप कोई भी टाइप ले सकते हैं। और स्प्रे बोतल बहुत ज़रूरी होता है, चाहिए टॉवल और हेयर ड्रायर जो चोभा का है, आप लोग कोई भी कंपनी का कर सकते हैं। और ये सेटिंग करने के लिए चाहिए आप लोग, ये ऑप्शनल है आप लोग। और ये है स्ट्रेटनर, अगर आप लोग चाहे तो स्ट्रेटनर से सेटिंग कर सकते हैं लास्ट फिनिशिंग में। तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट जो हेयर कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ कीजिएगा, और ये सब देख लीजिए अच्छे से। अगर आप लोग कुछ नया वीडियो चाहते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझको सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको नया नया वीडियो दिखा सकूं, सिखा सकूं। तो मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।